कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्ड वर्क का नामो निशान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। और इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना, और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारीकी से समझिए। कुछ लोग होंगे, आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाय सीधा ही अपनी बुद्धि अपनाना शुरू कर देते हैं, फिर ढेर सारी मेहनत करें परिणाम मिलता ही नहीं है। मुझे याद है मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था, तो मुझे काफी इंटीरियर में जाना था, तो किसी ने हमें उस जमाने की जो पुरानी जीप होती थी उसने व्यवस्था की कि आप उसको लेके जाइए। अब सुबह हम कोई 5:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हमारी जीप चल ही नहीं रही थी। हम अब ढेर सारी कोशिशें की, धक्के मारे, ये किया, दुनिया भर का हार्ड वर्क किया, लेकिन हमारी जीप नहीं चली। 7:30 बज गए तो एक मैकेनिक को बुलाया। अब मैकेनिक ने मुश्किल से 2 मिनट लगाया होगा और 2 मिनट में उसने ठीक कर दिया, और फिर वो कहे साहब 200 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार 2 मिनट का 200 रुपया? बोले साहब ये 2 मिनट का 200 रुपया नहीं है, ये 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है। अब हम हार्ड वर्क कर रहे थे, जीप नहीं चल रही थी, उसने स्मार्टली थोड़े से बोल्ट टाइट करने थे, हार्डली उसको 2 मिनट लगा होगा, ये गाड़ी चल गई। कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज बड़ी मेहनत मजदूरी से करेंगे तो होगा। ऐसा आपने देखा होगा पहलवान जो होते हैं, यानी जो खेलकूद की दुनिया के लोग होते हैं, उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है, उस खेल में उसको किस मसल्स की जरूरत होती है। जो ट्रेनर होता है उसको मालूम है, अब जैसे विकेट कीपर होगा तो विकेट कीपर को ऐसे ही झुक करके घंटों तक खड़े रहना होता है। अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़ के नीचे बिठा देते हैं ऐसे हाथ पैर में अंदर डाल के, तो कितना दर्द होता है, होता है कि नहीं होता है? एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़ के बैठना होता है, तकलीफ होती है ना। लेकिन ये जो विकेट कीपर होता है ना, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उसको घंटों तक ऐसे खड़ा रखते हैं ताकि धीरे धीरे उसके वो मसल मजबूत हो जाए ताकि वो विकेट कीपर के नाते अच्छा काम करे। बॉलर होता है तो उसको उस विधा की जरूरत नहीं है, उसको दूसरी विधा की जरूरत है, तो उसको वो करवाते हैं। और इसलिए हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुत लगेगी, हाथ पर ऊंचे करते रहो, दौड़ते रहो, टिकना करो, फलाना करो, जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर मुझे अचीव करना है तो उन स्पेसिफिक एरियाज को मुझे एड्रेस करना होगा। और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है। अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहां बॉलिंग कर पाएगा, कितनी ओवर कर पाएगा। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके अलग प्रकार के मसल्स को मजबूत करना होता है। हार्ड वर्क तो वो भी करते हैं लेकिन वो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं।
और स्मार्टली हार्डवर्क करते हैं तब जाकर के पढ़ा लिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।